मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टीवी। पति चाहिए तो 5 लाख रुपया दे और पति को ले जाए, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है बल्कि ये हकीकत है। किडनैपर ने महिला को फोन करके कहा कि आपके पति को किडनैप कर लिया गया है और 5 लाख रुपया फिरौती दो वरना आपके पति को छोड़ेंगे नहीं। ये मामला डोंबिवली का है, हालांकि किडनैपर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अतुल व्यापारी नाम के एक शख्स ने रेलवे टेक्नीशियन अजय पांडुरंग जाधव से कुछ शर्तों पर 2,80,000 रुपये लिए थे, मगर जब अतुल व्यापारी ये पैसा नहीं लौटा पा रहे थे, इसी दौरान पैसों की लेन देन की वजह से अजय पांडुरंग जाधव ने अतुल व्यापारी की पिटाई की और उन्हें किडनैप कर लिया। किडनैप करके अतुल व्यापारी को माटुंगा के रेलवे कॉलोनी में ले जाकर अतुल को रखा गया था। जब अतुल व्यापारी अपने घर नहीं पहुंचे तो उनकी बीवी ऋचा ने तिलक नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की। इसी बीच अतुल की बीवी ऋचा को फिरौती के लिए फोन आया और कहा कि आपके पति को किडनैप कर लिया गया है, अगर पति चाहिए तो 5 लाख रुपया दो और पति को ले जाओ। इसकी जानकारी अतुल की पत्नी ने पुलिस को दी। फिरौती की रकम लेने के लिए डोंबिवली के एक होटल में समय तय किया गया। होटल के अंदर जब फिरौती की रकम लेन देन की शुरुआत की गई, तभी पहले से मौजूद सादे वर्दी में पुलिस वालों ने किडनैपर अजय पांडुरंग जाधव को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि किडनैपर ने 8 दिनों तक अतुल व्यापारी को रेलवे कॉलोनी के घर में कैद करके रखा था और उसे अब उसके चंगुल से छुड़ा लिया गया है। इस पूरे मामले में आरोपी अजय पांडुरंग जाधव अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। सदर गुन्ह्यातील जो आरोपी है अजय पांडुरंग जाधव, वय वर्ष त्याचा आहे 51 वर्ष, हा रेल्वेमध्ये कामाला आहे मेकॅनिक म्हणून माटुंग्याला। त्याने जो यातील फिर्यादी आहे यांचे पती यांच्याकडून 2,80,000 रुपये घेतले होते आणि ते परत दिले नाही म्हणून त्याने ते फडके रोड डोंबिवली ईस्टला येऊन त्याला मारहाण करून किडनॅप केलं आणि त्याच्या घरी घेऊन गेला होता 9 तारखेपासून, आणि त्याने त्याची माहिती कोणाला दिली नाही। नंतर त्याच्या पत्नीला कॉल केला की तुमचे पती पाहिजे असेल तर 5 लाख रुपये पाहिजे मला, तरच पतीला सोडेल। मग पत्नीने पोलीस स्टेशनला आल्यावरती तक्रार केली, मग आपण गुन्हा रजिस्टर केलेला आहे इथे 368 384 2022 आणि नंतर आपण सापळा रचला, तो बा याला त्याचे फिर्यादी यांचा पतीला घेऊन येणार, तो डोंबिवली ईस्टला येणार होता। मग तिथे आल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून त्या आरोपीला ताब्यात घेतलेले आणि फिर्यादी यांचे पती यांना त्यातून मुक्त केलेले आहेत। आणि आरोपीला कोर्टात न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना 20 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी दिलेली आहे। सध्या आरोपी हा पोलीस कस्टडीत आहे। त्या आरोपीचं काय बॅकग्राऊंड आहे का? त्याचं असं काही क्रिमिनल बॅकग्राऊंड वगैरे नाही आहे, परंतु त्याने जे पैसे दिले होते ते फिर्यादी पती परत देत नसल्यामुळे त्याने ते किडनॅप केलं होतं, मारहाण करून त्याला किडनॅप केलेलं होतं असं आहे।